हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। आप सबकी दुआएं चाहिए। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये था कल फ्राइडे और मेरी थी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ। एक्चुअली मैं एक नई डॉक्टर से मिलने गई थी, तो एक्चुअली सेकेंड ओपिनियन चाहिए थी मुझे। तो मैंने जो है वो वॉक इन एक हैं उनसे अपॉइंटमेंट ली और वहाँ जाके घंटा डेढ़ बर्बाद किया और जो है वो फिर मैं वापस आई। जुमे का दिन था, टाइम वेस्ट हो गया। $91, $92 कितने लीटर आएगा? $100 में लेट्स से 6, 7 ऑलमोस्ट 63 अराउंड में कैसा ऐसा हो गया। और आपने सुना पीछे बर्ड्स की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। हम लोग शाम को गए थे वॉक करने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि गर्मियों में जो सा है वो कनाडा में कितना मज़ा आता है। और पर्सनली मुझे जो सा वो यहाँ के सारे वेदर बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी इनका फॉल, विंटर और स्प्रिंग, एवरीथिंग बहुत खूबसूरत होता है। और हमेशा से जो सा है ना, जो एक अच्छी बात मुझे कनाडा की लगती है वो ये है कि इतना ग्रीन, इतनी यहाँ पर ग्रीनरी और प्लांट्स और ट्रीज़ है ना, कि हर वेदर में ही ना अच्छे लगते हैं। तो जो सा वो हम लोगों का यहाँ पे शिफ्ट जब हुए थे ना दुबई से, तो मुझे सबसे जो अच्छा अट्रैक्टिव लगी थी ना चीज़ कनाडा की, वो यही थी कि यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत नेचुरल ब्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा पॉन्ड है और हमारे पॉन्ड में पानी कम हो रहा है और हिरण है और हम लोगों ने किसको स्पॉट किया, ये देखें, ये बाप, ये देखें, बिल्कुल सही ऐसे जैसे कैमोफ्लेज हुआ इसके साथ ही कलर मिल रहा था। सिम्बा है, ये सिम्बा है, तो सब एरोमा का। और ये सारी डकियां शकियां फिर रही हैं। व्हाट आर यू ऑल सी डकियां शकियां, इज राइम रैंडमली, इट्स नॉट इवन अ वर्ड। आयो, और सीगल्स भी हैं, थोड़े से कम लग रहे हैं सीगल। और वो कहां है डॉन? किधर है डॉन? डॉन, अरे डॉन, हेलो, इसके पास जाए। ये देखो ना, ये है ना बैठा हुआ, चलो इसके पास जाते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा लोगों ने बीवर भी स्पॉट किया था, हमने बल्कि खुद देखा। ओ ओ, उड़ गया। सॉरी, वो दूर जाके बैठ गया, इवन वो दूर जाके बैठ गया। वो कहता है डोंट डिस्टर्ब मी। हमें बेंच मिल गया और हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और देखते हैं सामने। वो किसी को वो दाने डालने आया है आई होपफुली। ये देखो छोटे छोटे से, ये तो बड़ी एग्रेसिव हो जाती, सारे भाग के आ रहे हैं। एग्रेसिव होती हैं ये बहुत जब इनके बेबी। और ये जी हमारे घर के पास सी बिल्कुल एक पॉन्ड है और देखें यहाँ पे जाएं आपको इतनी सारी जो है वो नेचर भी नज़र आती है और वाइल्ड लाइफ भी नज़र आती है। गीस थे, हेरन फिर रहा था, डक्स हैं, सीगल्स हैं और इस पॉन्ड में एक बीवर भी हमने एक दफ़ा देखा था। तो जी आपको जू जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर के पास ही पॉन्ड में इतनी सारी वाइल्ड लाइफ इंजॉय कर ले तो बड़ा अच्छा लगता है। और वेदर जो है वो बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और गर्मियों में तो यहाँ परफेक्ट वेदर होता है, लोग घरों में बिल्कुल नहीं बैठते हैं। जितना भी आप बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सप्लोर करें, और कनाडा जगह ही ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से एक्सप्लोर करने वाली। तो अब जनाब टाइम हो गया था डिनर का, तो मैंने जनाब इजी पीजी सा जल्दी से डिनर बनाया था। उसके लिए मैंने जनाब पैटीज रख दिए थे ओवन में जो है वो फ्रोज़न, उनको जो है वो बारबेक्यू करने के लिए और ग्रिल करने के लिए। और ये है स्टर फ्राइज वेजीज, ये जनाब फ्रोज़न मिलती हैं। और ये जो बेल पेपर है ना, ये मैंने काट के ख़ुद फ्रीज़ की हुई हैं। इनको निकालें और थोड़े से ऑयल में जो है वो ज़ीरा डालें और अजवाइन डालें और उसके बाद हाई फ्लेम के ऊपर इनको 5 to 7 मिनट्स के लिए फटाफट जो है स्टर फ्राई कर लें। इसके अंदर सिर्फ मैं ब्लैक पेपर्स डालती हूँ और चिली फ्लेक्स डालती हूँ, और जो सॉल्ट होता है वो बिल्कुल एंड में डालते हैं, क्योंकि वो अगर पहले डाल दें तो जो है वो वेजेज़ जो है वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा छोड़ देती हैं। और ये इजी पीजी लेमन स्क्वीजी इतनी जल्दी बन जाता है ना और इतनी टेस्टी बनती हैं, और इसके साथ जो है ना वो आप प्रोटीन के तौर पे कुछ भी ले लें जो है वो, मेरे पास तो हमेशा जो है वो ये पड़े होते हैं बच्चों के स्कूल के लिए। एक्चुअली मैं लेके आई थी तो मैंने उनको बना दिए, और ये बच्चों के लिए मैंने टोर्टिया रोल्स बनाए थे। इसके अंदर जो है वो डाल के थोड़ी सी लेटिस और ये सब कुछ डाल के, और वही जो है
उनके थोड़े से पीसीस करके बर्गर्स के। चलें जी, ये हमारा हो गया ईजी सा डिनर। तो चलें जी, आई होप आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।